नापा की जानिब से रीडर्स प्ले सजाया गया है जिसमें कराची के शहरी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका पहला शो कैसा रहा इस रिपोर्ट में आप जानिए। हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आवाम पर ऐसा बुरा असर हो, पाबंदी हम किसी पर नहीं लगाते। ऐसी राजनीति मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी खराब खूबसूरत मुकालमा अदायगी पैगाम ने एक बार फिर कराची वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताओ मुझे कि उन्होंने तुम्हारी वफादारी का क्या सबूत मांगा, तुमने अपनी वफादारी का क्या सबूत दिया? कुछ भी मांगा। एरियल डॉर्फ मैंस के ड्रामे रीडर प्ले को देखने वालों में खूब पजीराई मिली। इंतहाई नाजुक मौजू को दिलचस्प अंदाज में बयान करना इनका खासा है। कराची में नापा की जानिब से जिया मोहियुद्दीन में पेश किए गए थिएटर प्ले ने शायकीने थिएटर के दिल मोह लिए हैं। हाजरीन का कहना था कि कराची की शामें वैसे भी खूबसूरत होती हैं, इस तरह के थिएटर्स के कयाम से ये मजीद हसीन हो गई। ऐसी शामें कराची में बेहतरीन होनी चाहिए और बेहतरीन क्राउड था, ऑडियंस वाज वेरी गुड। सेट डिजाइन का जवाब नहीं था, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सुंदर तेज जुमले सादगी और शाइस्तगी में मुकालमे की सूरत में सुनने वाले पर सहर तारी कर देते हैं। ड्रामे के डायरेक्टर सुनील शंकर ने कहा कि मौजू का इंतखाब और परफॉर्मेंस मुश्किल था, लेकिन जब हम इकट्ठे हुए तो सब आसान होता चला गया। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, एक सिनेमैटिक ट्रीट है, आज भी बहुत हाउसफुल रहा, बहुत सारे लोगों को पसंद आया। अदब से दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना था कि किसी तक अपना पैगाम पहुंचाना एक आर्ट है और ये आर्ट इस थिएटर में बखूबी झलकता नजर आता है। बात वही है, असर रखती है जो जुबान निकले और असर पहुंच जाए, यानी कहा भी कुछ नहीं और सब काम भी हो गया, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। सुनील शंकर ने डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा प्ले है, आज हमारा मीडिया नाइट है और हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, बहुत अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबा वाला स्टैंडिंग ओवेशन था। खेल को पढ़ चुके हैं पहले और कैसे अचीव होते हैं, बट एट द एंड सुनील शंकर, फिर कास्ट और सब लोग, जो तमाम लोग थे जिस तरह उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। लाहासिल मोहब्बतों नामुकम्मल इश्क की तिश्नगी हमेशा दिल में रहती है, कि जस्तजू वक्त और हालात के साथ शक्ल जरूर बदलती है लेकिन अपनी हुईयत और शिद्दत बरकरार रखती है। रीडर्स प्ले थिएटर में किरदार मोहब्बत, मुसाफत और मंजिल के बीच गहरा नजर आता है।